La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. बाज़ लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं कि जो झूठे ख्वाब बयान करते हैं, हालांकि झूठे ख्वाब बयान करने पर तो सख्त वईद है और इसी तरह ख्वाब समझे बगैर ताबीर देने पर भी वईद है। तो जो ख्वाब को बयान करने वाला है यानी कि मुअब्बिर है, उसे ख्वाब समझे बगैर गलत ताबीर नहीं बयान करनी चाहिए। हदीस शरीफ में इस पर वईद आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे कयामत के दिन इसको जौ के दो दानों को गिरह लगाने पर मजबूर किया जाएगा, और जो शख्स अपनी आँखों के बारे झूठ बोले तो जन्नत की बू तक को ना पाएगा। सबसे बड़ा बहतान जो इंसान बांधता है वो अपनी आंखों पर बांधता है कि मैंने ये ख्वाब देखा, मगर देखा कुछ भी नहीं होता। बाज़ उलमाए ताबीर का कहना है कि मन घड़त ख्वाब बयान करना दावाए नबूवत के मुतरादिफ है, क्योंकि ये ख्वाब जो है वो नबूवत का 46वां जुज है, और जिसने नबूवत के जुज पर भी झूठ बोला तो गोया उसने नबूवत पे झूठ बोला। तो बाज़ उलमा ताबीर का ये मौकिफ है। बाज़ उलमा ने कहा है कि पूछे गए ख्वाब की ताबीर साहिब रोया के दर्जा, मर्तबा, दीन, इलाका, ज़माना और साल के मौसमों की रियायत करते हुए देनी चाहिए, और ख्वाब की ताबीर नामों के इश्तिकाक और अल्फाज के मानी के एतबार से भी दी जाए, और ख्वाब में मुर्दे का कहा हुआ हक होता है इसलिए कि वो दारुल हक है। इसी तरह बहुत छोटा बच्चा ख्वाब में बात करे कलाम करे वो बेदारी में ऐसा ही होगा। इसी तरह दरिंदों, परिंदों और चरिंदों के कलाम की ताबीर भी वही होगी जो वो ख्वाब में कहे। बेदारी में झूठ बोलने के आदि लोग काहिन वगैरह अगर ख्वाब में ये बात करें तो वो झूठी होगी, और जमादात वगैरह का कलाम यानी वो चीज़ें जो कलाम नहीं करती तो उनका कलाम करना कोई अजीब अमर पेश आने की दलील है कि भाई पहाड़ बोल रहा है। अच्छा, और कभी ख्वाब की ताबीर ज़र्बुल मिसल के मुताबिक भी होती है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ आता है साइग, साइग, इसकी ताबीर झूठा आदमी है। झूठ बोलने वाले के बारे में ज़र्बुल मिसल मौजूद है कि फला आदमी झूठ बोलता है कि फलानन यज़ूगुल हदीस। अच्छा, इसी तरह हाथ का लंबा होना सखावत है, इसलिए कि सखी के लिए अरब कहते हैं हुआ अतवलू यदम मिनक, इसका हाथ तुमसे ज़्यादा लंबा है। कभी ताबीर बिज़िद भी होती है यानी उलट हो जाती है, मसलन रोने की ताबीर खुशी से भी हो सकती है, और ताउन की ताबीर जंग से, और जंग की ताबीर ताउन से। इसी तरह सैलाब की ताबीर जो है दुश्मन से, और दुश्मन की ताबीर सैलाब से, तो कभी ज़िद में भी हो जाती है। तो इसलिए फ़न रोया जो है वो एक बहुत ही अहम फ़न है, और ख्वाब बयान करने में झूठ झूठ नहीं इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, ताबीर का एक तरीक़ा भी होता है कि भाई ताबीर वो है जो कुरान या हदीस की मदद से दी जाए। मसलन किसी ने ख़ुद को ख्वाब में सफ़ीना यानी कश्ती के अंदर देखा तो ताबीर कुरानी आयत की मदद से निजात से दी जाएगी, कि जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि हमने नूह और अहले कश्ती को निजात दी। इसी तरह किसी ने ख़ुद को कुएं में गिरता देखा तो ये साजिश का शिकार होगा। अच्छा, हर चीज़ की ताबीर इसके जिन्स, नौ और तब के मुताबिक होगी। जिन्स मसलन दरख्त, परिंदा वगैरह, दरिंदा, ये अलहदा अलहदा जिन्स हैं, मगर इन सब की ताबीर मर्द है। मगर जिन्स और नौ के इख्तिलाफ से इस आदमी की सिफात में भी इख्तिलाफ होगा। मसलन खजूर का दरख्त है, इसकी ताबीर अरबी मर्द है, इसलिए कि खजूर अरब का दरख्त है, और परिंदा भी मर्द है। अगर मोर के नौ से हो तो इसकी ताबीर अजमी मर्द है, और अगर नर शुतर मुर्ग है तो इसकी ताबीर देहाती अरबी आदमी है, क्योंकि भी देहातों में शुतर मुर्ग हुआ करते थे अरब में, अब नहीं होते, उस ज़माने में हुआ करते थे, बल्कि समझ ले 1800s तक हुआ करते थे, और आज भी म्यूज़ियम में उन शुतर मुर्गों के अंडे मौजूद हैं कि उनकी इतने मोटे शेल होते थे कि अरब उनको काट कर बर्तन बनाया करते थे। तो दुबई वगैरह के म्यूज़ियम में उनके शेल आज भी मौजूद हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं।
انٹرنیٹ پر بھی آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. بہرحال اگر نر شتر مرغ ہے تو اس کی تعبیر دیہاتی عربی شخص ہوگا, اور تبا یعنی کہ جسمانی ساخت کی نرمی سختی کے اعتبار سے تعبیر ہوگی. مثلا اخروٹ کی تعبیر جو ہے وہ معاملے میں خصومت اور مناظرے میں مشکلات پیش آنے سے دی جائے گی, اور کھجور کی تعبیر زیادہ فائدہ بخش مرد ہے. اسی طرح مور کی تعبیر خوبصورت مالدار عجمی بادشاہ ہے, اور کوے کی تعبیر دھوکے باز فاسق قسم کا آدمی ہے. خواب کی تعبیر سمجھنے کے اعتبار سے معبرین کے لیے بہت طریقے ہیں, اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے, مگر بلکہ معبر کی معرفت, مہارت, دیانت اور تعبیر کا اس کے اوپر کتنا ملکہ ہے پھر اس کے اوپر منحصر ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر رکھتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو علم سیکھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے اجر و ثواب عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.